नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त की एक बड़ी खबर बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में है। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने एक महिला को रौंद दिया है। रौंदने के बाद घायल महिला की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई है और आक्रोशित लोगों के द्वारा जो है पुरानी बाजार में इस वक्त सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं। महिला को रौंदने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा जो है यहां पर जाम कर दिया गया और ये पिकअप है जो तेज रफ्तार से सिमरी बख्तियारपुर से रानीबाग की ओर जा रहे थे। और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि ये JBST नामक ये पिकअप किस प्रकार ओवर रफ्तार थी कि ये इस घर के भी स्वामी यहां पर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही ये पिकअप चालक ने, हालांकि अभी जाम के बाद बख्तियारपुर थाना की पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो 65 वर्षीय महिला है उसकी मौत हो गई है। देर शाम अधिक गर्मी की वजह से सभी लोग अपने घर के आगे यहां पर हवा लगा रही थी और इसी दौरान ये देख सकते हैं कि यहीं पर वो कुर्सी लगा के बैठी हुई थी और उसको जो है तेज रफ्तार पिकअप चालक ने रौंद दिया है। इलाज में सहरसा ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई है। ये बख्तियारपुर और सोनवर्षा राज्य की पुरानी बाजार सड़क है और पुरानी बाजार में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर आक्रोशित लोगों के द्वारा जो है सड़क जाम कर दिया गया है। बख्तियारपुर थाना के थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार यहाँ घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और वो जो है ग्रामीणों को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सब वहाँ से नहीं आया। आइए सुनते हैं कि क्या कर रहे हैं ग्रामीण इस घटना के संबंध में। पिकअप से एक महिला को रौंद दिया गया है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला यह है कि शाम लगभग वही 7 बजे के आसपास बूढ़ी यहाँ बैठी हुई थी। गाड़ी एकदम पूरा ड्राइवर पूरा पीके शराब पीके पूरा नशा में था। आया है पहले वहाँ ठोकर मारा, आके बूढ़ी के ऊपर चढ़ाया। उसके बाद चुन्ना भाई है वो रोक रहे ड्राइवर को, रुको रुको रुको, वो पीछे करके फिर बूढ़ी को चापा है एकदम चापा। उसके बाद ये सामने स्कूटी पर हम स्कूटी पर हम बैठे हुए थे, स्कूटी हम ऐसे फांग के भागे हैं, स्कूटी को पूरा चूर दिया है। उसके बाद स्कूटी कहाँ लगा हुआ देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से वहाँ पर जाके मिस्टर की मम्मी बैठी हुई थी, मिस्टर की मम्मी बैठी हुई थी वहाँ पे गाड़ी ले जाके ठोका तो वो भी बच गई है। जिस महिला का मौत हुआ है उसका क्या नाम है? सावित्री देवी मृतक का नाम है, जो कि अभी यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल से रेफर किया गया उनको और सहरसा सूर्या पहुँचते पहुँचते वो उनका मैंने वो एक्सपायर कर गई। मेरा नाम अनवर हुसैन। कहाँ घर हुआ? पुरानी बाजार बैठल था सर, यहाँ पर कुर्सी लगा के पंखा पर, यहाँ पर मेरा पति हुआ बैठल था। अच्छा, यहाँ पर सब गाड़ी आया उस सौते ही था पति के देह पर कुर्सी गिर गया, पति सब तो चोट पति के हुआ है। अब बस ऐसे गाड़ी आया झलकी तोड़ले उड़ले बस गाड़ी देह पर उसको चला दिया। हमको सस्तर में गाड़ी ऊपर से अर्थ हुआ और पीछे ऐसे ऐसे करके कर रहा है, हम आए उठाने के लिए बच गए भागे हर सिनाई से। चालक द्वारा जो है एक घर के आगे बैठी महिला को रौंद दिया गया है, उसकी मौत हो गई है और आप लोग यहां पर सड़क जाम किए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये कि उधर से ड्राइवर अवैध रूप से गाड़ी चला के आ रहा था, ड्राइवर दारू पिए हुआ था और पीछे बूढ़ी एक औरत अपने दरवाजे पर पुरानी दारू बैठी हुई थी, उस पर वो उसको कुचलते हुए एक स्कूटी पर एक लड़का बाजार जा रहा था उसको भी ठोकर मारते हुए स्कूटी को रगड़ते हुए और भी आदमी चाहा बचाना तो उस पर भी दौड़ाया गाड़ी। दौड़ाने के बाद वो जब अनबैलेंस हुआ तो फिर दूसरे दुकान में जाके वो उसको ठोक दिया गाड़ी को, जिसके कारण हम लोग समाज यहाँ पर उसके सपोर्ट में रोड जाम किए हुए हैं या अन्यथा जिस टाइप से हो कि उसको विकल्प मिले। वो गरीब आदमी है। उस महिला की मौत हो गई? महिला की अब मौत हो चुकी है। अच्छा, वो सहरसा में थी, वहाँ से लेके आ रहा है उसको। उसके बाद अब जो समाज विकल्प निकालेगा सब मिलके वो हम लोग उसको। अभी आप लोग पुरानी बाजार को जाम किए हुए? पुरानी बाजार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद चुन्ना।